हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में इसमें आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए बीए पार्ट वन सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड है। सेकंड पेपर में यूनिट सेकंड है, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ये यूनिट सेकंड है, टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। इसमें हम पढ़ेंगे मेमोर या रेमिनेसेंस या फिर मेमोरी। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है और इसको हिंदी में कहते हैं संस्मरण या याददाश्त कहते हैं। किसको क्यों लिखा जाता है, क्या इसका आंसर है, क्या बनेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें ये ऐसे आ सकता है व्हाट इज़ मेमोर, अगर ये नहीं आया तो इस तरीके से आ सकता है, और अथवा में दिया हुआ मैंने राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ऑन मेमोर, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो इसका रिटन आंसर देख लेते हैं राइटिंग, और इसमें कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ मेमोर ये भी बताए हैं हमने। तो आप लिस्ट जरूर ओपन करिएगा, इसमें फर्स्ट पेपर के लगभग तीन यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, फोर्थ यूनिट बचा है वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको जो सेकंड पेपर हमारा है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल सेकंड, इसको शुरुआत किया है। तो ये पूरा होने के बाद हम फिर शुरू करेंगे आपका सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, अदरवाइज फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा आपको जो भी चैप्टर मतलब आपको चाहिए हो वीडियो, जिस भी टॉपिक पर चाहिए हो तो उसमें आप कमेंट में बता सकते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट पेपर है वो काफ़ी वीडियो उसमें अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट सारे सब्जेक्ट की बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप ओपन करके देखें, दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए इसको समझ लेते हैं। ए मेमोर इज़ रिटन नरेटिव ऑफ पर्सन्स लाइफ, मतलब ये जो मेमोर है वो लिखा जाता है, ये किसी भी पर्सन मतलब व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति की जीवन पर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर विस्तार पूर्वक हम इसको समझते हैं डिटेल में। इट डराइव्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, इसको जो मेमोर हम जो क्वेश्चन हमारा है उसमें मेमोर वर्ड आया, ये फ्रेंच का वर्ड है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है रेमिनिसेंस, मेमोरी इन दिस लिटरेरी मैथड, लिटरेरी मैथड प्रोवाइड्स ए स्टोरी अबाउट ए पर्सनस लाइफ इवेंट्स, यानी इसके अंतर्गत जो है हम किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो उसकी कहानी है, उसके जीवन की जो मतलब इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हुई हैं, जो भी हुआ है वो इसको इसमें हम दर्शाते हैं। ए लिटरेरी मेमोर एजली फोकस ऑन ए सिंगल टॉपिक और पीरियड इन ए समवंस लाइफ, और इस प्रकार से इसमें जो है हम उसमें सिंगल टॉपिक यानी कि एक एकल टॉपिक पर, एक विषय पर, छोट छोट विषय पर या उसके समय में, किसी के भी समय के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर उनके किसी के भी जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं। इट इज़ ए स्टोरी, ये कहानी है, ठीक है, कैसी कहानी है, हैविंग क्लियर नरेटिव स्ट्रक्चर, फोकस ऑन सब्जेक्ट मैटर एंड सम रिफ्लेक्शंस ऑन सम पर्सन और पर्टिकुलर प्लेस। इसके अंतर्गत जो है हमारा मेन सब्जेक्ट जो मैटर होता है वो ये होता है कि सम रिफ्लेक्शन ऑन सम पर्सन, कुछ रिफ्लेक्शंस करते हैं उसके बारे में, पर्सन्स के बारे में करते हैं, या फिर ए पर्टिकुलर प्लेस या कोई एक स्थान होता है, जगह के बारे में करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेमोर इज ए सब जेनर, मेमोर इज ए सब जेनर यानी कि जनरेशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ये भी एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी का ही काम करता है, वैसे ही उसी जैसे होता है, दैट की फॉल्स विद इन ए कैटेगरी ऑफ, इसकी भी कैटेगरी मतलब इसका भी समूह जो है वो ऑटोबायोग्राफी जैसा ही होता है। ए मेमोर इज ए सेंटर्ड एंड मोर पार्टिकुलर रिटेलिंग वेयर एन वेयर इज एन, और ये भी लगभग ऑटोग्राफी जैसा ही पार्टिकुलर रिटेलिंग वेयर्स, और ये भी उसकी जैसा ही हमें लगता है, वैसे इसमें होता है कैसे रिटेलिंग अबाउट सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी स्पैन पर्सन्स कंप्लीट लाइफ विद पीसीस डिटेल्स सच एज ब्रिंगिंग फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशंस
तो जिस तरीके से हम ऑटोबायोग्राफी में किस किस का मतलब डिटेल चर्चा करते हैं, उसके ब्रिंगिंग शुरुआत की चर्चा करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड की भी चर्चा होती है, एजुकेशन की भी होती है, एंड ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन की भी होती है, व्यवसाय से रिलेटेड चर्चा हम करते हैं किसमें, ऑटोबायोग्राफी में। ऐसे ही हम मेमोर में भी इन सभी बातों की चर्चा करते हैं। मेमोर हैज़ एक्साइटेड सिंस द डॉन ऑफ टाइम, परहैप्स द फर्स्ट मेमोरिस्ट बाज। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर यहाँ पे जो मेमोर आया है वो ये है, जूलियस सीजर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब ये प्ले है शेक्सपियर का, इसको भी मेमोर के नाम से ही नाम दिया गया है, फर्स्ट मेमोर के नाम से दिया गया है। तो जूलियस सीजर ये शेक्सपियर में लिखा है, तो इसमें लिखा है परहैप्स द फर्स्ट मेमोरिस्ट बाज जूलियस सीजर, इन्हीं शायद पहला मेमोर जो है वो जूलियस सीजर था, हु जो ठीक है रिकॉर्डेड एंड डेडिकेटेड हिज ओन एक्सपीरियंस थ्रू आउट एपिक वार्स, यानी एपिक वार्स इसे कहते हैं महाकाव्य युद्ध, ठीक है, उसके समय का ये पहला जो है वो जूलियस सीजर जो है मॉडलिस्ट है। नेक्स्ट है लेटर ऑन इट बिकम ए वेल एंड वेल रिसीव्ड लिटरेरी जेनर, और इसके साथ ही जो है इसको मतलब अच्छे तरीके से रिसीव किया गया है लिटरेरी जेनर, साहित्य के आधार पर। मेमोर्स हेल्प टू प्रिजर्व हिस्ट्री बाई अलाइंग टू सी द सू सी इट थ्रू, और इसके द्वारा जो है हम इसकी हिस्ट्री यानी कि उसका इतिहास वही इसके बारे में हम मेमोर्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें ओन दियर आइज, जो हम अपनी आँखों के द्वारा देखते हैं स्वयं की आँखों द्वारा, दियर ओन आइज हम स्वयं अपनी आँखों द्वारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में है पॉइंट, सेलिब्रिटीज़ शेयर द अप्स एंड डाउन ऑफ दियर कैरियर्स इन मेमोर। इसी मेमोर नाम की करेक्शन जो हमारा जो आर्टिकल है उसके बारे में जो है हम अपनी सारी सेलिब्रिटी जो होती हैं वो शेयर करते हैं, ठीक है, अप्स एंड डाउन मतलब उनका चढ़ाव उतार, आगे बढ़ना पीछे हटना कभी आगे निकलना ये सब देखते हैं। रॉक स्टार्स टेल दियर फ्रेंड्स अबाउट डिफिकल्ट डेज, मतलब इसमें रॉक स्टार मतलब जो काफ़ी अच्छे स्टार बन जाते हैं, तो दियर फ्रेंड्स वो अपने मित्रों के लिए ठीक है अबाउट बारे में बताते हैं, किन बारे में बताते हैं, टेल बताते हैं डिफिकल्ट डेज कठिन कठिनाई भरे दिनों के बारे में बताते हैं, ठीक है, स्पेंट इन डिस्ट्रेस जो ने दिक्कतों में दिन बिताए थे उनके बारे में बात करते हैं, सोलराइट अबाउट डियर वार एक्सपीरियंस और अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं, मेंटली इल पीपल डिस्क्राइब अप एंड डाउन अचीव द चैरिटी क्लियरिटी एंड ऑथर्स डिस्क्राइब पैसिफिक इवेंट्स, और साथ ही जो राइटर्स होते हैं वो भी इनकी इवेंट्स की घटनाओं की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है इसी पॉइंट हमारे हैं, ठीक है, द ऑकर्ड इन फ्रंट ऑफ दियर आईज, जो कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, तो एज ए रिजल्ट द पर्पज ऑफ मेमोर इज टू प्रोवाइड द ऑडियंस एज इम्पल्स इन टू लीव लीव्स ऑफ अदर्स, यानी इसके आधार पर भी वो अपने ऑडियंस अपने श्रोताओं के लिए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जिम्पल्स इन टू द लीव्स ऑफ अदर्स, कि अन्य यानी कि अन्य लोग भी जीवित हैं मतलब उनके भी जीवित घटनाओं के बारे में बताते हैं अदर्स अन्य के बारे में। अब यहाँ देख लेते हैं कि सम फेमस मेमोर्स, यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध मेमोर्स हैं तो उसमें देख लेते हैं, पहला है ए मूवेबल फीस्ट, ठीक है, ये लिखा गया है वाई अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ठीक है, हेमिंग्वे ये राइटर हैं, इनका ये मेमोर है, ड्यूरिंग ए टाइम वेन अमेरिकन राइडर्स कंसीडर्ड लाइक मूवी स्टार्स,
कंसिडर कहते हैं कि आलोचना करना, और आलोचना जो करता है वो व्यक्ति उसका शुभचिंतक होता है। आलोचना करने वाले भी हमारे लिए शुभचिंतक होते हैं, क्योंकि वो आलोचना करेंगे तो हमें मिस्टेकें निकालेंगे, जो हम में वो मिस्टेकें सामने आएंगी तो हम उसमें अपने आप में रिफॉर्म करेंगे, अपने आप में सुधार करते हैं हम लोग। कंसिडर्ड लाइक मूवी स्टार्स, जो मूवी स्टार होते हैं उनकी वो आलोचना करते हैं, उनसे कंसिडराइज करते हैं। एर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज ए बेलन सेलिब्रिटी, और इसके लिए जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे वो बहुत ही महान सेलिब्रिटी थे, जो कि अच्छी खासी जाने जाते थे, भली भांति जाना जाता था उनके लिए। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, इन 1964 में हिज मेमोर ए मूवेबल फीस्ट वाज रिलीज्ड, यानी कि 1964 में उनकी मृत्यु के बाद जो था उनका जो मेमोर था ए मूवेबल फीस्ट जो है वो रिलीज हुआ, या वो प्रकाशित हुआ, ये भी कह सकते हो, रिलीज़ के लिए प्रकाशित भी कह सकते हैं। दिस बुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अबाउट हिज टाइम एज ए राइटर इन पेरिस इन द 19th 20th सेंचुरी ही बिकेम फेमस बिफोर, यानी कि 19वीं शताब्दी में जो था ये मतलब वो फेमस हो गए, कौन जिनका नाम था हेमिंग्वे, ठीक है, वो फेमस हो गए थे। इसी में दूसरा है, देखिए दूसरा है होम एज, ठीक है, होम एज टू कैटालोनिया, ठीक है, ये लिखा गया है बाय जॉर्ज ऑरवेल, दिस इज ओवर, ये ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, दिस ओवर वेल फैसिनेटिंग अबाउट फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ हिज टाइम इन स्पेन ड्यूरिंग द सिविल वार, इनकी जो इन्होंने भी ड्यूरिंग द सिविल वार, जो सिविल वार चल रहा था उसके समय में भी इन्होंने इस तरीके का जो मेमोर है वो रचना की है उसकी, सिविल वार के समय। इट इज़ वन ऑफ हिज वेस्ट कीबोर्ड एंड ही इज़ करेक्टराइज्ड विद इज़ विद हिज, मतलब इसके लिए भी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने करेक्टराइज़ किया है, मतलब करेक्टराइज साफ हुआ तो उसमें अच्छे बेहतरीन जो है करेक्टराइज, यानी कि चरित्र चित्रण या फिर पात्र या फिर एक्टर्स रखे हैं, ठीक है, उसके आधार पर इसका करेक्टराइज किया गया है। करेक्टराइज विद हिज सिग्नेचर जर्नलिस्टिक विंक, और उनके सिग्नेचर के आधार पर ये करेक्टराइज किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो इसी में है वो थर्ड है, थर्ड है मॉस, ई बाई आर्ट स्पिंगलम, ठीक है, स्पीजलमैन, ऑल्दो न्यूमरस हाईली मूविंग मेमोर्स मे बी इंक्लूड इन आवर लिस्ट, मेमोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट ड्यूल नॉन, यहाँ पर आएगा डेलन, इकट्ठा का हुआ है, यहाँ आएगा बेलन, ठीक है, डब्ल्यू ई डबल एल बेल के एन ओ डब्ल्यू एन वेल नन, इट्स हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी मतलब कि दिल तोड़ने वाली कहानी के बारे में चर्चा की गई है। तो इट इज़ ब्यूटीफुली, ठीक है, ब्यूटीफुली एलुटेटेड बाय द स्पेलिंग मैन, ठीक है, तो इनके द्वारा लिखा गया, ये राइटर का नाम है। तो इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियो बहुत सारे अपलोडेड हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट की लिस्ट बनी हुई है। इंग्लिश के फर्स्ट पेपर के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर ओपन करिएगा, उसमें बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, पॉइंट टू पॉइंट यूनिट वाइज मैंने बताए हैं। और अब सेकेंड पेपर चल रहा है, सेकेंड पेपर जैसे ही यूनिट सेकेंड और थर्ड कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम जो है अदर सब्जेक्ट भी ले लेंगे। और थर्ड सेमेस्टर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, उसके लिए भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थर्ड सेमेस्टर की वीडियो आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट में अपलोड मिलेंगे, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और प्लेलिस्ट अगर आपके लिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो भी किसी बगैर चार्ज के आप फ्री में पीडीएफ मुफ्त मतलब आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब तक जितने वीडियो अपलोड हुए हैं, अगर आपको किसी की भी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9897059197,
इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके द्वारा मेरा टेलीग्राम चैनल है हेमंत सिंह लेक्चर्स, उसमें भी आप जो है मुझे मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप कई सब्जेक्टों की वीडियो आप जो पीडीएफ उसके थ्रू जो आप पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ आपको फ्री में दी जाएगी, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा।